संगीत केवल मानव जीवन को ही सुकून नहीं देता है, बल्कि गोवंश पर भी इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। संगीत से गायों के दूध उत्पादन की क्षमता में भारी बढ़ोतरी होने की खबर मिली है। गौशाला के प्रबंधकों का दावा है कि इससे उनके यहाँ दूध के उत्पादन में 20% तक बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन से दुधारू पशुओं को बचाने और उन्हें तनाव रहित रखने के लिए पारंपरिक तरीकों पर शोध हो रहे हैं। ऐसा ही अनूठा शोध करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है, जिसमें दुधारू पशुओं को हर रोज दूध देते समय बांसुरी अथवा अन्य मधुर संगीत की धुन सुनाई जाती है। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब पूरे देश व्यापी एक ये प्रोजेक्ट परियोजना है निकरा, जिसमें जलवायु प्रतिरोधी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो हमें डेवलप करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कभी भूकंप आ रहा है, कभी ग्लेशियर फट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है वो हर एक उस पर आएगा, मानव पे भी आएगा, जीव जंतुओं पे भी आएगा। तो उसी दिशा में एक प्रयास है हमारा कि जो हमारा गोधन है या जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका रखरखाव इस चेंजिंग क्लाइमेट में किस तरह से किया जाए। तो उसी कड़ी में हमने अपने जो देसी पशु हैं, जो हमारे पुराने एक्सपेरिमेंट हैं, उसमें भी हमने ये पाया कि ये वेल अडॉप्टेड है। तो इनकी 4 महीने के जो बच्चे हैं, हमने बछड़ियाँ खास तौर से साहिवाल नस्ल की, वो लेकर के उनको अपनी विधि से, यानी कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस और उनके ऊपर कोई ज़्यादा स्ट्रेस वाला सिस्टम ना रहे, उसी हिसाब से हमने इनका हाउसिंग सिस्टम, इनका मैनेजमेंट और इनका खान पान उसी दिशा में हमने निर्धारित करके और उसमें हम शोध कर रहे हैं। और इन शोधों में हम अलग अलग तरीके के जो पैरामीटर हैं उसमें एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स भी नाप रहे हैं, अलग अलग तरह की हम घास भी दे रहे हैं, प्लान ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने अलग अलग किया हुआ है, तो उस हिसाब से हम इसमें देख रहे हैं। और इसके साथ साथ वेदों पे आधारित और हमारे जो पुरातन ज्ञान है और जो हमारी गौशालाओं में जो अलग अलग कार्य हो रहे हैं उनके अध्ययन के लिए भी साइंटिफिक वे में हमने शुरू किया है, जिसमें एक म्यूज़िक का इफ़ेक्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छा मिला हमें। क्योंकि हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि चाहे हम उसको नहला करके, चाहे हम उसको सर्दी से बचा करके, चाहे पौष्टिक आहार दे करके और चाहे अन्य तरीकों से, हम उस जानवर को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं। और हमने ये पाया कि जो बांसुरी का म्यूज़िक है, दूसरे म्यूज़िक के अलावा तबला है, सितार है, गिटार है, उनके अलावा हमें इसमें ज़्यादा अच्छा वो लगा। लेकिन कुछ हम इसके बारे में जब हम इसके स्ट्रेस हार्मोन नाप लेंगे तो एक कंक्रीट तौर पर हम कह पाएंगे कि वास्तव में इसका इफ़ेक्ट आया है या नहीं आया। लेकिन अगर सरसरी तौर पे देखा जाए, जिस दिन हम ये म्यूज़िक बंद करते हैं तो इनका जो फीड इनटेक है और इनका जो बेचैनी का लेवल है वो थोड़ा सा बदल जाता है, तो हमने ये चीज़ उसको देखा है। अजब बात यह है कि संगीत सुनने वाले पशुओं का न केवल स्वास्थ्य बेहतर रहता है अपितु उनका दूध उत्पादन भी बड़ा है। अब यहाँ पर रोजाना सुबह और शाम गायों को सुनाने के लिए संगीत और भजन की धुन बजाई जाती है। प्रबंधक का कहना है कि काफी समय पहले सुना था कि गायों को संगीत एवं भजन काफी पसंद होते हैं। हमने जब यह विधि अपनाई तो उनका परिणाम काफी अच्छा निकला। शोध के अनुसार विदेशी गायों के मुकाबले देसी गायों में मातृत्व की भावना अधिक होती है। यही कारण है कि बच्चा मरने के बाद वह दूध नहीं देती। विदेशी गायें ऐसी परिस्थिति में भी दूध देती हैं। उन्होंने कहा कि संगीत की तरंगे गाय के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को सक्रिय करती हैं और गाय को दूध देने के लिए प्रेरित करती है। ज्यादातर जो हमारे देसी पशु हैं, भैंसे हैं या देसी पशु हैं, देसी पशु का मतलब जिनकी पीठ पर ढांट होती है, हम्प होता, तो ये हमारे भारतीय नस्ल के पशु हैं, भारत उपमहाद्वीप के। तो इन पशुओं में जो ज़्यादातर है 2.5 से 3 साल के उम्र में आता है, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट भी कम है, क्योंकि रखरखाव ठीक नहीं है, किसान भाई पेट में कीड़ों पे ध्यान नहीं देते, इनके पौष्टिक आहार नहीं देते। किसान भाइयों का जो मेन उद्देश्य होता है वो दूध उत्पादन होता है, तो जो गाय या भैंस एक बार ब्याह गई उसको तो सब कुछ मिलेगा और जो ग्रोइंग में है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में वो 2.5 से 3 साल जो है तक बछड़ियाँ ले जाती हैं और किसान भाई जो है तकरीबन मेरे हिसाब से 1 साल तक उनकी फ्री सेवा ही करते रहते हैं, जबकि वो 1.5-2 साल की उम्र तक अगर पौष्टिक आहार, अच्छा खान पान और अच्छी तरह से आप उसको रख रहे हो स्ट्रेस फ्री कंडीशन में, तो वो 1.5 से 2.5 साल की उम्र में फर्स्ट हीट में आ सकती है और 2 हीट मिस करके उसको सर्विस दी जा सकती है, तो वो एक अच्छी दूध उत्पादक गाय बन सकती है।
एक हमने प्रयास किया है, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो कुछ एरियाज में जो काम पहले फसल होती थी अब वो नहीं हो पा रही है, अगर होती भी है तो उसका उतना उत्पादकता नहीं रहती। तो इसमें जो मेरा खुद का तजुर्बा है और जो मैंने डाटा एनालाइज किया है, उसमें हमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्लाइमेट चेंज से। अगर एक जगह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो दूसरी जगह है, यानी कि अगर गर्मी बढ़ रही है तो जो गर्म प्रदेश का चारा है या उसकी अलग अलग वैराइटीज़ हैं उसको इधर शिफ्ट किया जा सकता है, तो वो हो सकता है, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने रैमी नामक एक घास होता है, घास तो नहीं कहेंगे, पत्तेदार झाड़ी नुमा होता है, और उस वो डुअल पर्पज़ है, उसके दो पर्पज़ हैं। एक तो पत्ती जो है उसकी, अगर आप 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उसको बरसीम की तरह काट लेते हैं तो वो 20 से 25 यहाँ तक कि कई जगह तो 25 से 30% प्रोटीन, यानी 1 किलो अगर आप वो दे रहे हैं तो तकरीबन 250 से 300 ग्राम आप प्रोटीन खिला रहे हैं पशु को, जो कि बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन बहुत महंगा पार्ट है कंसनट्रेट मिक्स का। तो हमने उसको ट्राई किया, और जब ये पशु 4 महीने की उम्र के थे, अवस्था के थे, तब से हमने इनको 1 किलो रैमी की पत्तियाँ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर कटी हुई खिलाना शुरू किया, और हमें इसमें जो ग्रोथ रेट मिला इनका वो 450 से लेकर 800-825 ग्राम तक मैक्सिमम मिला है, और इसका अगर हम औसत देखें तो 650 से 750 ग्राम पर डे जो है इसमें शारीरिक वेट जो है इनका बढ़ा है, और उसमें हमें बहुत ही अच्छा एक तजुर्बा हुआ है। और इसके साथ साथ हम इसमें ग्रोथ हार्मोन और अलग हार्मोन की स्टडी करके तभी कुछ एक कंक्रीट नतीजा आपको बता सकते हैं। रैमी की फसल जो है वो चारों तरफ से हर लिहाज से किसान के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर मैं इसकी पत्तियों की यील्ड की बात करूं, 15 से 20 दिन के बाद अगर आप इसको काटते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि इसका जो टोटल यील्ड पर एकड़ है वो तकरीबन 2200 से 2600 क्विंटल आ सकता है, जो कि किसी भी पशु चारे में उपलब्ध नहीं है। दूसरा, अगर आप इसको 15 से 20 दिन तक नहीं काट पाए तो इसको 40 से 60 दिन के बीच में अगर आप काटेंगे, जब ये 4.5-5 फुट की हो जाएगी तो ये रेशा भी पैदा करती है, और इसका जो रेशा है वो सबसे नरम और सबसे मजबूत रेशा है जो भी आज वनस्पति पृथ्वी पर उपलब्ध है, उससे जो मजबूत है कोई रेशा नहीं है। और इस रेशे का काफ़ी उत्पादन मेघालय आसाम उधर होता है, और वो लोग इससे कपड़े बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के आइटम्स जो हैं। तो किसान की प्रगति में, ख़ास तौर से इस एरिया में जहां हम पानी सिंचाई कर सकते हैं, उसमें ये कपास के एवज में एक बहुत बढ़िया रेशा प्रदान करने वाला हो सकता है, और किसान की आय भी बढ़ा सकता है।